अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम आपको मोहम्मद अबू ताहिर, लोगों मुझे प्यार से ताहिर करके भी बुलाते हैं। तो जितने भी हमारे तमिलनाडु के अंदर, हमारे खासकर चेन्नई के अंदर मुसलमाना भाई और बहन आई और दूसरे कौम के भाई और बहन आई, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक कौन कौन मेरा वीडियो देखते हैं, सबको मेरा मोहब्बतों से भरा सलाम। टॉपिक क्या करको देखे तो हमारी उर्दू जबान, हमारे चेन्नई में बात करते हैं उर्दू जबान, हमारी तमिलनाडु में बात करते हैं उर्दू जबान बोले तो बात करता मुझे प्यार से, कौन रहे तू, अम्मा का सगा बाबा का सगा, ये वाली जबान समझ गए। तो ये वाली उर्दू के बारे में हमें बात करते, आप क्या समझते हमें जो बात करते हो उर्दू उर्दू? नहीं, मैं नहीं समझता हमें जो बात करते ना उर्दू, मैं नहीं समझता। क्या जमान, दिमाग फल डालिए, कंफ्यूज हो गया। खैर, परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं समझ लू तो आखिर में मसला क्या है, आखिर में बात क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जने को ये बात माला में, मगर बेशक बहुत कम। So, अब देखे तो मैं बोलता हूँ, हमारे चेन्नई में, हमारे तमिलनाडु में जितने भी मुसलमान आए, जितने भी उर्दू बात करने मुसलमान आए, जो बात करें ना बेशक उर्दू, मैं उर्दू नहीं कर को हरगिज ही बोलता नहीं, हमें जो बात करते उर्दू, बट एक किस्म का उर्दू, वो किस्म के उर्दू को भी एक नाम है हमारे इसमें, वो नाम क्या देखे तो दक्कनी उर्दू, दक्कनी उर्दू, दक्कनी उर्दू। जी, हमें जो चेन्नई में बात करते सो उर्दू, हमें जो तमिलनाडु में जितने भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से उन लगा बात करते सो उर्दू, उसे बोलते दक्कनी उर्दू। हमारा कर्नाटक में बैंगलोर भी रहते, तेलंगाना भी, हैदराबाद में भी रहते, हमारे चेन्नई में सब जगह बोलते, सदर्न रीजन्स, ये दक्कनी उर्दू बात करते सो। तो अब देखे तो दक्कनी उर्दू किस जमाने में ये उर्दू आया, कब से आदमी ये बात कर ले हुई क्या? तो दक्कनी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा उर्दू के बारे में बात करेंगे। उर्दू जो है 12वीं सदी में दिल्ली शहर में है जो पैदा हुआ सो शहर, ठीक है क्या? और अब इंडिया में फिलहाल, हिंदुस्तान में फिलहाल किस शहर में उर्दू प्योर एंड पक्का से बात करती बोले तो देखे तो उत्तर प्रदेश में है सो लखनऊ शहर। और हमारा उर्दू जो है पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज भी है। अब आप देखे तो दक्कनी उर्दू को आ जा, दक्कनी उर्दू में देखे तो 16वीं हमारा दक्कनी आपको बात करनी लोगों शुरू करे। 16वीं सदी बोले तो मुगल के जमाने से लेकर अब तक आदमी जो हमारा दक्कनी उर्दू को कायम रखो, बात कर लें, ठीक है क्या? अब दक्कनी ये लफ्ज कहां से आया, कैसा आया लफ्ज दक्कनी? खैर, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। हिंदुस्तान में जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जैसा कि कर्नाटका में सो बेंगलोर, तेलंगाना सो हैदराबाद, तमिलनाडु में सो चेन्नई, इसे क्या बोलते हैं? सदर्न पार्ट बोलते हैं। सदर्न पार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं तो दक्षिण, दक्षिण, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन रीजन, डेक्कन, दक्कनी, दक्कनी, दक्कनी। तो इसमें चाहो दक्कनी कर को लफ्ज आया, सदर्न पार्ट के आदमी बात कर सो उर्दू का किस्म को दक्कनी कर को बोल को आपको नाम आसो, दक्कनी कर को नाम आसो, तो उसे क्या बोलते हैं? दक्कनी उर्दू कर को नाम बोलते हैं। एक और बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि हमारा जो दक्कनी लफ्ज है उसे अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है, दक्कनी, ढकानी, ढाकनी, ढकानी, ऐसा करके लोगों का बोलने बोलने का तरीका अलग है। मतलब इसका मीनिंग है कि इसका मतलब है कि लोगों का बस प्रनाउंस करने का तरीका अलग, लोगों का बोलने का तरीका अलग। तो बस एक बात भी मैं आपको समझा था। अब कर्नाटका में ऐसा बैंगलोर, तेलंगाना से हैदराबाद और तमिलनाडु में चेन्नई, पूरे बात दक्कनी, बेशक दक्कनी, लेकिन उनका बात करने का स्लैंग जो है थोड़ा अलग अलग रहेगा। अब देखे तो बेंगलुरु का स्लैंग कैसा है, देखे तो फोन दे उसका, रे किसका ने बात कर रहा तू, तमीज से बात कर, क्या बेकार के बोमड़िया मार ले रहा तू, अब आओ मैं शिवाजी नगर गुतर को पटाता हूँ, बुला ले गो, ऐसा एक स्लैंग रहता। अब हैदराबाद का देखे तो हेलो सलेकुम, फटे कारे फटे तू, अरे क्या भी नहीं फटे, ये गफूर फोन करा था मुझे, बड़ा किरा कमा कर रहा है फटे, इन्हें गोश की बिरयानी ला बोलता, पुलाव ला ले हजा मिये, ऐसा एक स्लैंग। अब हमारे चेन्नई का देखे तो दीवानी बल्ला, अकल है क्या, नहीं कह रही तुझे, खाने में नमक डाल रही तो शक्कर डाल ली है तू, ऐसा स्लैंग। तो स्लैंग में थोड़ा डिफरेंस समझो, लेकिन हमें सब बात करो दक्कनी उर्दू। इस दक्कनी उर्दू के बात करने से पहले मैं बहुत सारे रिसर्चेस कर रहा था, मैं दक्कनी लैंग्वेज के रिसर्चेस कर रहा था। तो अब रिसर्च करने में तो मैं थोड़े लोगों के कमेंट पढ़ा था, थोड़े आदमी कमेंट्स में, दूसरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में आदमी ये बोले थे, तो यूट्यूब चैनल में हमारे चेन्नई में कोमड़ी एक जने भी पोस्ट नहीं कर रहे थे दक्कनी के बारे में, इतना खुलासा से कोमड़ी बात नहीं कर रही, जैसा हैदराबाद में, कर्नाटका में बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आई, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी बहुत से इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन मगर अफसोस हमारे
चेन्नई में कौन भी इन्फ्लुएंसर नहीं, खासकर उर्दू लैंग्वेज के वास्ते, दखनी उर्दू के वास्ते इन्फ्लुएंसर कौन भी नहीं। तो उन लगा उनके पेज में कमेंट करना टाइम मैं ये पढ़ा था, दखनी उर्दू जो बात करते चेन्नई में खासकर उन लगा को अनएजुकेटेड अनपढ़, मतलब कि चिक्कारा लैंग्वेज हमें बात करते, चिक्कारा बात करते कर को कमेंट में है। थोड़े हमारे चेन्नई के मैं जाकर पेज में कमेंट कर गई, उन लगा क्या बोलते हैं कर को, ये हमारे चेन्नई में बात करते हैं उर्दू, हालांकि उनको पता नहीं कि वो भी दखनी उर्दू कर को, ठीक है क्या। तो मैं बोलने का मतलब क्या है, हमारे चेन्नई में कितने जने को पता है कि नहीं है कि हमना मालूम नहीं, लाइक हमें बात करते हो कि चेन्नई उर्दू की, लोकल उर्दू की, अनपढ़ उर्दू की, नहीं चिक्कारा उर्दू की, ये जानने के वास्ते मोहल्ला मोहल्ला हमारे चेन्नई शहर में जाको, हमारे बस्ती के अंदर जाको, दशमकान हमारे मोहल्ले से शुरू करा था, पेरम्बूर, वीनर, रॉयपेटा, जाम बाजार, आईसोस, ऐसे अलग अलग मुसलमान के एरिया में जो धकनी बात करते, जो उर्दू बात करते, तो जाकर मैं बात कर को उनका इसमें क्या विचार है, उन्होंने धकनी कर को ये लफ्ज जानते क्या कर को, ऐसा मैं आपको गया था मोहल्ला मोहल्ला जाको गया को बात कर रहा था। तो पहले शख्स पेरम्बूर में कौन है, मास्क का दुकानदार को बैठते जने मामू उम्र वाले हैंडी कैप उन्हों क्या पाप, इतनी उम्र में उन्होंने कड़ी धूप में बैठ को उन्होंने आपको मेहनत कर लगे थे, तो कैसा की होगा था। तो मेरे जैसे नौजवानों को या आपको एक बहुत एक बड़ा सबक रंगा कर को मैं आपको पर्सनली फील करता हूँ, तो वो देखो वीडियो। मामू खैरियत क्या, कैसे है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह की मेहरबानी है सभी, इतने उम्र में भी तुम्हें आपको ये मेहनत का काम करते हैं, आज के नौजवान देखे तो बिस्तर मिला तो बस करो रहते हैं, क्या करेगा अल्लाह पे। तो देखे मेरे भाई उनकी आवाज में इतनी तकलीफ मालूम होती, ना जाने उनके जैसे कितने आदमी दुनिया में आको छोटा सा छोटा उनके हाथ से कितना होता कि डाले को बेच जाती। हमें क्या करना, कुछ चीज बेवजह खरीद लेना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भीख नहीं मानते मेरे भाई। तो खैर ये टॉपिक को साइड में रखेंगे और मामू के पास जाकर पूछेंगे उर्दू के बारे में, उन्होंने क्या सोचते हैं हमारे दखनी उर्दू के बारे में, उनका मुलाजा क्या है, उनका क्या विचार कर रहे सोचेंगे। चलो जो बात कर देनी भाषा, बात कर देनी है भाषा को क्या मामू बोलते हैं, भाषा को हमें बात करते ना लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं। अब उर्दू लैंग्वेज को देखे तो क्या बोलते हैं आदमिया, हमें लोकल लैंग्वेज बात करते हैं करके बोलते हैं, वैसा नहीं हुआ हमारे सीखे लैंग्वेज दूसरा को दुनिया में कोई भी नहीं, अल्लाह ताला ने हमना ये करा था हमारा लैंग्वेज पहला ये करा था वो, उसके सिवा दूसरा कोई सा भी लैंग्वेज उसमें ये चांगा नहीं हो क्या, हमारे मुसलमान संगा साथ दर ये नहीं करते, वो रखो करे कहती अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे दुनिया में ये सका दूसरा कोई सा भी नहीं, इंशाअल्लाह हमारी ये हुकूमत आएंगी जरूर, मुसलमाना का ये आंगा जरूर दर्जा बड़ा होगा, तब है अल्लाह ताला रसूलुल्लाह जो बोलेगी वो काम बात जरूर आएंगे, आमीन आमीन। तो अब मामू इसमें क्या बोलेगा, तो हमारा सगा लैंग्वेज दुनिया में कौन सा नहीं वो फर्स्ट आया सब बोलती उनका स्टेट ऑफ सिंगिंग हो, लेकिन वो बात भी एक साइड में रहने दे, एक और बात भी है हमें दुनिया में फर्स्ट बहुत जमाने से पहले लैंग्वेज है कर कोई बोलते सो तमिल लैंग्वेज कर कोई बोलते हैं, कल तुंड्री मन तुंड्रा कालते मुन तुंड्री मूत कुड़ी मकल पेशी मुदल मोड़ी तमिल मोड़ी आगम कर को, ये हमें बचपन से स्कूला में सिखा लगा लगे, तो क्या ये एक बात ही मैं आपसे बोलना कर को ये करा था। देखे तो मैं मामू को पूछा था, मामू हमें जो बात करते ना ये लैंग्वेज चेन्नई में बात करते ना उर्दू उसे क्या बोलते कर को, उनको खुद मालूम नहीं था, उसके बाद मैं बोला था धाकिनी उर्दू, उनको खुद मालूम नहीं था, तो उन्होंने पहले शख्स पहले इंटरव्यू में चाकू उनको मालूम नहीं करको उन्होंने बोला लेते, तो इसके आगे उन्होंने क्या बोलती करको देखिए। बात करते लोगों को ये मालूम है, बात करते सब उर्दू धाकिनी उर्दू धाकिनी उर्दू इसे करके एक नाम है, हमें लगा पूरी प्योर से बात करते नहीं यहाँ के जने, जरूर जरूर बहुत से जने पाकिस्तानी रहते हैदराबाद वाले रहते दिल्ली में प्योर उर्दू बात करते, वो लगा बात करे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह समझे सका सोचे सका पोर तय करते क्या, एक बहुत से जने ऐसे वो बड़ोजी में ले लगाने देते नहीं, कलायक हमारे यहाँ के मुसलमान तमिलनाडु के मुसलमान ही बहुत ये करने वाली ही, लेकिन चंचरे जरा उसे सपोर्ट नहीं देते, हाँ इसके बाद मामू बोले हमें हमारे मेहनत से खाना, हमें किसी की मोहताज नहीं रहना, उनकी तकलीफ उन्होंने बोले बस मैं रह गिरा था क्या तो हमारे मेन मेहनत से हमें खाना, सही बात किसके भी मोहताज नहीं रहना, मोहताज नहीं रहना, आज ये कर जाते सुबह को दूसरे जब बहुत पाप कितने तकलीफ पड़ते मालूम होगा उन्होंने आदमिया उन्होंने कौन कौन पाप बेटा बेटा कौन भी देखते नहीं करते नहीं वो जगह पैसा नौबत नहीं आना, सही बात उसको ऐसे हमारे जगह में अल्लाह क्या की मुझे दिया क्या की मेरा मुझे बेटा एक गाड़ी ले कुछ दिया, ये गाड़ी रख लो
मेरी जिंदगी में गुजार लोग होगा। मैं हमें तुम्हारा से दुआ करते हैं, आप भी हमारे कौम के नौजवानों को दुआ करो, इंशाल्लाह सपोर्ट करो। इसके बाद उन्होंने उनके तकलीफा सुनाते सुनाते आंखी में से पानी ले लगा गए थे उन्होंने, वो तो बहुत इमोशनल हो गए थे उन्होंने। ये वीडियो देख ले हुए वो इंशाल्लाह मुसलमान देखेंगे, हमारे उर्दू का कल्चर को समझेंगे, क्या हमें समझना जरूर को उम्मीद ले लगाना कुछ भी ये नहीं करना, जरूर समझ को हमें जिंदा ये कर। तो आप देखे तो पेरम्बूर मोहल्ले से मामू करने बात करे, बड़ा अच्छा बात करे, उनके दिल में क्या लगे, उन्होंने क्या सोचते हैं अपने दिमाग में पूरा बात करे। अब देखे तो दाशमाकन मोहल्ले को जाएंगे, दाशमाकन मोहल्ले में देखे तो बड़े प्यार आदमी पूरे मोहब्बत से पूरे कह रहे थे, मैं बाजू दुकान में व्लॉग उठा ले तो पीछे की दुकान के आदमी क्या बात उठाते, हमें भी बात करती, मैं दिल खोल कर हमें भी दो बात करती हूँ, बात करे चलो देखेंगे। सो अब हमें देखे तो दाशमाकन के मोहल्ले में ही, ये मोहल्ले में बड़े प्यारे आदमी फुल ढाकनी उर्दू स्पीकर्स क्या, तो मैं चनदन्या से मिला तो बात कर तू, उनका मुलाजा क्या है हमें रहती बात कर को थोड़ा समझ को लेंगे, चलो मेरे पीछे आ जाओ। तो हमारे दाशमकान के अकबरी मस्जिद के कमेटी मेंबर्स बैठे हैं, बैठ को उनके पास रहती हमारे उर्दू लैंग्वेज का रहती मुलाजा कर को बात करेंगे। चलो तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद बशीर इनका नाम। तो रति जने बोलते हैं हमारे चेन्नई का उर्दू तो रहता क्या बोलती हैं लोकल उर्दू ऐसा बात करती, दिल्ली पाकिस्तान उल्ला का उर्दू रहती हिंदी का मिक्सचर रहता, उल्ला क्या बोलती वो उर्दू, ये आपको लोकल उर्दू ऐसा आदमी का सोच ऐसा है, वो सोच को हटाने के वास्ते मोहल्ला मोहल्ला जाको हमारे भाईंगने रहती बात कर को, उनकी सोच क्या है इसके बारे में, विचार क्या है कर को बात कर को, इसके ऊपर तुम्हारा क्या सोच है? उर्दू एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक स्टेट में एक एक टाइप में रहता, उर्दू अदब अलग होता। जो तमिलनाडु जो चेन्नई का जो उर्दू है ना, नो डाउट उर्दू है नहीं बोल के नहीं, बट उसमें जो है ना वो हिंदी मिक्स नहीं रंगा, मोस्ट ऑफ द वर्ड जो है ना उर्दू का रंगा। अब नॉर्थ में बोलेगा तो तुमने जो है ना वो एक अदब का मतलब नवाबी स्टाइल में रंगा, वो स्टाइल में रंगा, वो जो है ना प्योर उर्दू एकदम, आइए जाइए आप पता एक हमारा का तो खालिया क्या बा, वैसा का तो क्या बा, ये का तो क्या बा, ये हमें खड़ी लैंग्वेज है ना उर्दू, खड़ी उर्दू हैदराबाद, हैदराबादी बोलते वो थोड़ा ना खींच खींच को रहती बात करेंगे, लखनऊ का अलग रहता, लखनऊ का अलग, वो तो सब में जो है ना मीनिंग तो एक रहता, बोलने का अंदाज डिफर होता। नॉर्थ चेन्नई ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट अंदर बैठे हैं, उनसे एक दो बात करेंगे, उनका सोच उनका मुलाजा कह रहती बात कर वो जाएंगे। मेरा नाम सैयद नियामतुल्ला, मैं यहाँ के नॉर्थ चेन्नई माइनॉरिटी में चेयरमैन हूँ। उसमें आप जो बोले उर्दू आके, उर्दू जो है एक एक स्टेट में आके डिफरेंट पड़ता है लैंग्वेज बात करने के लिए। अब तुम्हें आपको बनारस में जाओ वहाँ की उर्दू देखे वो तो मुझे मालूम है तक प्योर है वो, प्योर जी क्या बोल सो, ये दिल्ली में जाओ वहाँ आपको ज़रा डिफरेंट होता, अब आंध्रा में जाओ वहाँ आपको बहुत डिफरेंट होता, अब चेन्नई में उठा लो वहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंट होता। अब फॉर एग्जांपल अब तमिलनाडु के अंदर हमें उठा लेगा तो हमें चेन्नई में बात करते तो तमिल एक रहता, एक रहता जी। साउथ में जाओ मतलब मदुरई में बात करते तो तमिल आपको एक रहता, तंबी को तंबड़ो तंबड़ो करके बोलेंगे, वो तिरुनेलवेली में बात करने का तमिल वो अलग रहता, वो कोयम्बतूर में बात करने का वो अलग रहता। अब ये जो है तमिलनाडु के अंदर ही चेक तमिल को आके इधर है, अब वो जो बात करने का जो है उर्दू, अब हमें जो चेन्नई में पैदा हो गए वो हमारे जो बड़े आदमी जो बात करते हैं वो रखो, हमें भी आओ को वो कंटिन्यू, वो हमारा कल्चर ही है, हमें बचपन से पढ़ को कल्चर है, कल्चर ही है। लेकिन फिर भी इसका ग्रेटनेस क्या आएगा तो ये उर्दू रख लो, हमें ऑल इंडिया लेवल कहाँ भी जाओगे टू मार्क आ जाओ, क्या बोलूँ सो, ये इवन ये हमारा दूसरा लैंग्वेज मालूम नहीं तो भी ये उर्दू रख लो इक्वल टू हिंदी, वो समझ में आता है बोलते हो यहाँ के हमें काम भी जाओ गया क्या इंडिया के अंदर काम भी जाओ मजे मालूम है तक इसका जर्रा वो सुधार ले लगाना हो तो अब तो गया हुआ गुजरेगा। हम ये नहीं कहते अब जो आता उस जनरेशन को आको ये मजे मालूम है तो काम भी ये उर्दू अकेडमी उर्दू क्लासेस उर्दू ये बहुत कम है समझ में आता, जितना अरबी में हमें ध्यान देते ही उतना ध्यान हो तो जरूर देना सोच उर्दू में आके उतना उसमें ये नहीं है उर्दू लैंग्वेज का, लेकिन एटलीस्ट अब आता उस जनरेशन को तभी आओ को
उर्दू के बारे में ज़रा वो लफ्ज लिहाज सब नॉलेज है वो सब करेगा तो बेहतर रहेगा मेरे ओपिनियन में। मैं आपको बात करने का कई कोई आया सकता हो, हमारा कर्नाटक कर्नाटक रंदे, आंध्र प्रदेश रंदे, केरला रंदे, हमारा तमिलनाडु भी रंदे, सो एक लगभग एक किस्म का उर्दू बात करती। इसे आपको डेक्कन रीजन, डेक्कन प्लेट्यू करके बोलती। मैं इंटरनेट में बहुत सारा जानकारी करको, हमें बात करते ना इसे करको क्या तू भी एक नाम रंगा, हमारा उर्दू करको एक नाम रंगा, कुछ करते बोलते ढकनी उर्दू, ढकनी रखो ढकनी उर्दू को ढकनी उर्दू करको बोलते। यहाँ के आदमी लोकल उर्दू बात करता ना भाई, हमें क्या कहते, हमें बात कर लोकल नहीं, ढकनी उर्दू हमारा कल्चर, हमना करको एक पहचान है, इंटरनेट में हमना करको एक पहचान है, वो बहुत सारे हमारे चेन्नई के आदमी हमको रहती वो नॉलेज रहती कम है। उर्दू के वास्ते करो कौन भी नहीं आते, नहीं आते। अब आपको इम्पोर्टेंस कौन भी नहीं देते क्या आना रहती, बहुत एजुकेटेड पीपल को भी जानने वाले, जानकार रखने वाले भी ही वो सर को नहीं कर कोई बोलता नहीं, बट बेंगलुरु में देखे तो हैदराबाद में बहुत सारे नौजवान इन्फ्लुएंसर हैं जो आदमियों को आपको अवेयरनेस स्प्रेड करते। हमारे दशमक्कन में देखे तो एक को एक देखो, बहुत सारे भाई बात करने दिल करते हैं, उनके अंदर की बात निकाल को बात करने का ये करते हैं। अब लिंक सैलून के यजमान हम ना देखो देखो उनके उन्होंने बुलाए हैं और हमें भी दो बात करना चाहते हैं, दिल खोल को करको उनसे जाको एक बात करेंगे दो बात आज। अब अपना नाम क्या? मेरा नाम जियाउल्ला। जियाउल्ला आपका भी? मेरा नाम करीम। करीम आपका भी? इरफान। तो हमारे उर्दू कल्चर के बारे में बहुत चर्चा में ये है ना, हमें बात करते सो उर्दू नहीं, दिल्ली पाकिस्तान में बात करते सो प्योर उर्दू, हमें बात करते सो उर्दू को पूरे क्या करते हैं एक लोकल कंसिडर करते हैं, हमें वैसा कहते क्या ऐसा कहते क्या उसका कहना ऐसा, उर्दू का रहती स्लैंग को आपको बहुत लोकल कंसिडर करते हैं, थोड़ा आदमियों को रहती नॉलेज सीख करने के वास्ते समझाने के वास्ते, मैं आपको रहती आदमियों की उनकी सोच इसमें क्या क्या विचार आप सोचते हैं उसके बारे में, उसमें क्या बोलती हैं अनएजुकेटेड पीपल बात करते सो उर्दू ये है, उनको आपको उर्दू का नॉलेज नहीं रहता तो उसके इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उर्दू नॉलेज नहीं करते आपको अब जो हमें जो है पैदा हुए सो हमारे बाप दादा पूरे मद्रासी, मद्रासी में जो लैंग्वेज क्या है कि वो हमें उर्दू बात करना होगा, हमारा कल्चर ही है, हमारा बाप दादा जो जो बात करेगी हमारे मुन्नूर को जो बात करेगा वो हमें बात करना होगा, हमें हैदराबाद में नहीं है, हमें बम्बई में नहीं है, हमें नॉर्थ इंडिया में नहीं है, हमें यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, जो जो चीज़ हमें जो होगी, लेकिन आज भी हनुमा क्या फख्र है तो उर्दू जो है जबान जो है बहुत बेहतरीन जबान सारी दुनिया में, दुनिया में दुनिया में जो है उर्दू जबान बेहतरीन जबान है, वो हमें उर्दू जबान हमना हमें ही तो हमना फैमिली उर्दू फैमिली हम मुसलमान आएंगे तो हमना फखर है, हमना शान है, इसमें आपको हमें आपको कमी पेशी आपको बोलते सो बेखौफ पना कौन कौन बोलता है कि उससे आपको ये चीज़ को आ, लेकिन अफसोस क्या है तो उर्दू आपको कम है, कम है, जब गवर्नमेंट स्कूल में आपको उर्दू स्कूल खत्म हो गई, सब्जेक्टा खत्म हो गई, आज मुसलमान इस्लामिक स्कूल इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, जाकिर नायक स्कूल लंगो पाक में, यहाँ इखरा स्कूल है, दशमक्कन में इखरा स्कूल है, मदरसे आजम है, सब जगह स्कूल ना रहते पर भी, लेकिन क्या है तो उर्दू सब्जेक्ट जो है वो बहुत जगह उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, नहीं है, उर्दू पीड़ित नहीं है, ये आप अफसोस के बाद इससे आपको ये बात है, लेकिन आपको इस चीज़ को हमें क्या करना है आपको डेवलप करो, हमें पूरा ऑर्गेनाइज करो, कहाँ का उर्दू स्कूल आएंगे, कहाँ का प्राइवेट इस्लामिक स्कूल आएंगे, वहाँ पर जाओ हम अप्रोच करना, अप्रोच करके उर्दू तुम्हें लैंग्वेज ले लो कहो उर्दू हमें आगो ये तो ये हमारे जनरेशन छोड़ता हूँ मर जाएंगे उर्दू मर जाएगा, आने वाले जनरेशन उर्दू बच्चे सीखना, उर्दू में पहले पूरा उर्दू में खत्ता लिखते थे, आज हम उर्दू में खत्ता नहीं लिखते हैं, अफसोस की बात है, क्या उर्दू बात करने लगे बच्चों को इंग्लिश समझो, इंग्लिश में वो समझ में आता उर्दू में बोलते वो क्या बात है, लेकिन अफसोस की बात है, लेकिन आपको उर्दू नहीं सो आगो ये देश की आज़ादी नहीं होती थी, बेशक बेशक देश की आज़ादी जो है उर्दू लिखने वाले उर्दू पढ़ने वाले देश की आज़ादी हो, गांधी को साथ देश हो, नेहरू को साथ देश हो, जो वो हमारे देश का तिरंगा जो बना है दयाब जी या बेगम बोल को उन्होंने उर्दू लिखने वाले जो चीज़ जो तिरंगा जो बना उर्दू लिखने वाले, जब कायदे मिलत थे उन्हें उर्दू पढ़ने वाले, जब देश के हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े जो आलिमा जो शहदा थे देश के वास्ते शहीद हो है देश के वास्ते खून कुर्बान करे पूरे उर्दू बोलने वाले थे, कौन सी भी आगो आगो तेलुगु बोलने वाले तमिल बोलने वाले मलयालम बोलने वाले पर ये देश के वास्ते जान दिए नहीं दिए रंगा नहीं नहीं बोलकर बोलता नहीं, लेकिन ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में उर्दू से चाको देश की आज़ादी भी एक मिली, उर्दू का नारा चाको हमारा आपको क्या बोलते सो उर्दू का नारा चाको ये हमारा सारे जहाँ से अच्छा अल्लामा इकबाल इतना लिखे फिर कौन लिखे हमारे बहुत से गजल मिर्ज़ा खाली पोस्ट शेर बड़े बड़े शेरों शेर जो है कौन लिखे अल्लामा इकबाल लिखे उर्दू ने तो क्या उर्दू ने तो क्या बोला देखे जा उर्दू जो है उर्दू जिंदा रहना जिंदा रहंगा इंशाल्लाह जिंदा रहने के वास्ते हमें कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। बहुत एक पैट्रियोटिक स्पीच दे सका बात करे अंग में काटे सका बात करे
सो अब देखो रत्ती हमें क्या बोले, हमारे मामू क्या बोले उनसे, रत्ती सीख को सबको या को शेयर करो ये बोल को ये। अब मैं आपसे मिलने का मकसद क्या कहता हूँ, हमें कर्नाटक आंध्र तमिलनाडु केरला ये चार जो रीजन है उसे साउथ रीजन कंसिडर करते हैं, इसे डेक्कन प्लेट्यू डेक्कन रीजन कर को ऐसा बोलते हैं। अब आपको हमें जो बात करते हैं मैं क्या बोलते हैं लोकल ऐसा घर को एक नाम ला लेते हैं, बट हमारे उर्दू को भी एक नाम है, नाम है उसे आपको डेक्कन करो एक नाम आता है उसमें चाको ढकनी ढकनी उर्दू ये आपको अब चंद लोगों को मालूम है जेना को क्या उर्दू बात करते हैं, हमें उर्दू बात करते हैं तो पाकिस्तान में दिल्ली में बात कर वो भी उर्दू, बट ये अलग है ना ये करको आदमी को डिफरेंस मालूम नहीं होता, हमें बात कर दो सो ढकनी उर्दू। सो आपको सबको आपको ये मालूम होने के बाद आपको वीडियो बनाने का मकसद हमें बात करते ढकनी उर्दू। इंकलाब जिंदाबाद ये जो लफ्ज है उर्दू 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 लफ्ज है जो उर्दू शायर जो लिखे वो चाहो इंकलाब जिंदाबाद, जब गांधी दादा भी गांधी भी नेहरू भी आपको ये हाथ पकड़ से आजादी देश को मिली से ये लफ्ज है इंकलाब जिंदाबाद अबुल कलाम आजाद उन्होंने भी हाँ ये बात तो उर्दू जबान है। तो हमने आपको मालूम नहीं सब बात रहती बोले सो आपको बहुत रहती नॉलेज गेन करने का मौका मिला, होप तुम लोगों को ही मौका मिला रंगा तुम लोगों को नॉलेज गेन करको इस पर अमल करो, हमारे उर्दू की खासियत जानो, हमारा कल्चर वो किसी भी हाल में छोड़ो ना को क्या। अब तमिल तमिल अब रहती तमिल 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 चले आती बेशक तमिलनाडु में ही तमिल भी जान को रहना उसे कर को किसी भी हाल में हमारा कल्चर को भूल जाना को। सलामुअलैकुम भाई, नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम अब्बास मोहम्मद अब्बास। तो अब तुम्हें बोलते ये हमारा उर्दू कर को बोलती है अच्छा क्या ये क्या उर्दू कर को तुम मालूम की उर्दू कहते हो मुसलमान में आपको बात करते ये तो हमारा उर्दू ये तो हमारे इस्लाम में आपको उर्दू बोल को बोल को तो ऐसा बात करना हमारे मुसलमान है उर्दू बोल को बोल को। तो इनकी सोच देखे तो इनका एक अलग तरीका है अलग सोच है तो बोलने का, हमें जो बात करती नहीं उर्दू उसे आपको उसे कर को एक अलग नाम है ढकनी उर्दू बोलते हैं। अच्छा तुम ना ये हमें बात कर दो ढकनी उर्दू करके तुम ना मालूम था कि वो अभी तक मुझे मालूम नहीं है सीता सगा बड़े सगा दिखता है। अबे कहती बोलना चाहती है तुम्हें हमको अब क्या भी बोलना नहीं है पूरे आंगन पूछना थी पूछ लिया हमें बात करते थे ढकनी उर्दू तक हमें क्या चीज को भी हमारे स्लैंग को हमें चेंज करेंगे नहीं क्या बोलती बराबर बराबर क्या हमें कहता है सच भेजे पाए गुर्दे वो ले लगा ये ले लगा स्लैंग में बात गीत करको क्या बोलते हमें वायर लेवल क्या बोलते हैं वायर लेवल हमें बात करते हमें ढकनी उर्दू बात करे तुम ना पहले मालूम था क्या ये नहीं मालूम था देखे ऐसे बहुत से आदमियों को हमें बात कर हमारा कल्चर किसी भी हाल में छोड़ते नहीं बट थोड़े आदमियों को मालूम नहीं ढकनी उर्दू हमें बात। दूसरे आदमियों का कहना ये है कि हमें लोकल उर्दू में बात करते कर को हमें बराबर लोकल उर्दू हमें प्योर उर्दू नहीं लोकल उर्दू बात करते तूफान के हमदम अंगारे हैं हम धड़कन में थोड़ा सा बारूद है ख्वाहिश का जश्न ए इश्क का जश्न ए इश्क का जश्न ए इश्क का जश्न ए इश्क का। जैसा कि आप देखे दाशमकन के मोहल्ले में इतनी मोहब्बत से इतना दिल खोल को बात करे एक एक चीज एक एक खुलासे से रखो बात करे हमारे अजीज भाई, हालांकि इनको वो धकनी कर को वो लफ्ज मालूम नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने बोले हमें बात कर दो उर्दू लोकल इज्बा लोकल इज वैसा ट्रेंड है चेन्नई की उर्दू कर को ऐसा उन्होंने अपनाते ही उनके कल्चर को उन्होंने अपनाते ही। और हमारे जिया भाई भी बोलते हैं हमारे मद्रास में हमारे बाप दादा पैदा हुआ सो शहर है हमें बचपन से हम ना कैसे करके हमें वो जमाने में हमें अब तक बात करेंगे हमेशा हमें वो जमाने से हमें बात करेंगे। और ऑल इंडिया तमिलनाडु कांग्रेस के माइनॉरिटी के चेयरमैन उन्होंने भी बड़ा प्यारा बात करे एक एक चीज भी उन्होंने इतना क्लीन से इतना डीप से इतना हिस्ट्री ले को बात करे उन्होंने उतना ये बात करे सो बहुत अच्छा बात करे ये मोहल्ले में बहुत अच्छा बड़ा प्यारा बात करे बहुत अच्छा बात करे लाइक उर्दू की अहमियत बहुत देती है मोहल्ले में सो ढकनी कर को आदमियों को मालूम नहीं रहते उन्होंने अपने उर्दू कल्चर को अपनाते। अब पुलियांतोप के मोहल्ले में जाको वहां का सीन क्या है वहां के आदमियां ढकनी कर को ये लफ्ज जानते कि नहीं कर को देखेंगे चलो। तेरे शूटरों का खास मेरे गली में अब पूरे शेर की आवाज मेरे गली में प्रेयर किया नमाज मेरे गली में मापे गाली तो चमाट मेरे गली में अब पुलिस आई लगी वाट मेरे गली में एक नंबर सारी बात मेरे गली में अच्छा वो निकली तेरे गली से पर वो मेरे गली में हमें क्या करना तो मेन आपको हमें जो उर्दू जबान जो लैंग्वेज बात करते नहीं पूरे क्या बोलते हैं इसे आपको लोकल लैंग्वेज का रूप बोलते हैं क्या हमें बात करती नहीं उर्दू उसे कर को एक नाम है वो नाम तो ना मालूम ढकनी उर्दू कर को बोलते ढकनिया तो मालूम था कि ढकनिया ढकनी उर्दू बात करते आपको बहुत से आदमी आपको आपको क्या है मालूम नहीं होता अब दीदी कुछ मालूम नहीं था ढकनी ढकनी उर्दू हमें ढकनिया हमारा उर्दू हमें कायम हमारा मुसलमान हम एक साथ खड़े हैं हमारा
पूरा झंडा उठाओ खड़े हो अच्छा हमें बात करते हैं ना उर्दू उसका ढकनी उर्दू कर को तुम्हें मालूम था क्या ढकनी नहीं नहीं ढंगनी ढकनी वो नाम वो हमें बात करती नहीं ऐसा बात करती नहीं उस आपको ढकनी उर्दू कर को बोलते हमें नहीं बात कर प्योर उर्दू बात कर दो उर्दू कर को बोलते हैं हम ऐसा बात करते उसे क्या उर्दू तुम ना मालूम क्या उर्दू ये इसका तमिलनाडु के लायक का उर्दू बात करते हैं इसे भी मामू एक नाम है ढकनी उर्दू करो एक नाम ढकनी उर्दू सुने हैं क्या आप नानी है हाँ सुना हूँ ढकनी उर्दू शायद आप भूल गए रहेंगे सो आको हम एक मोहल्ले में आए इनको मालूम ढकनी उर्दू हमें बात करते घर को हालांकि भूल गए सो बहुत से ऐसे आदमियों को आपको ढकनी उर्दू हमें बात करते सो ऐसा मालूम नहीं अब मालूम तो देखे क्या मेरे भाई पुलियांथोप मोहल्ले में उतना किसे भी मालूम नहीं हमें जो उर्दू चेन्नई में बात कर रहे ढकनी घर को उतना किसे भी मालूम नहीं कोने में समोसे बजी तलक एक नानी बैठ को पका लग थे क्या तलक थे बजी समोसे मैं बोलता हूँ ढकनी घर को तुम्हें वो लफ्ज मालूम क्या नानी पूछा तो ऐसा कहो क्या मालूम नहीं ऐसा उन्होंने बोलती हूँ कुछ भी मालूम इस नहीं है और कोने में एक नसरीन करो दीदी के नाम में बात कर रहे हैं उन्होंने बोलती तो नहीं भा मुझे मालूम नहीं उन्हें एक्सेप्ट कर लेते उन्हें मान लेती मुझे मालूम नहीं पीछे उनके अम्मी खड़े थे उनके अम्मी बोलती हो वह हमें धकानियाँ धकनियाँ मैं करके उन्हें बोलती उनकी अम्मी को मालूम उनकी बेटी को मालूम नहीं तो हमारे घर में चाहो नॉलेज हमें किसी भी दे लेकर नहीं हमारे चेन्नई के उर्दू बारे में उर्दू बोल को बचपन से लेको ऐसा हमें पले बढ़ जाते हैं हमें धकनी करके वो लफ्ज़ किसी भी मालूम नहीं है हमारे पुलियांथोप में रहते एक मामू आपको टेलरिंग का ये कर लगते उनका नहीं भी पूछा तो मैं धकनी मालूम में तो क्या करो नहीं मालूम बोलता है बाद में सुन को बोलता हो मैं सुन को हूँ मैं भूल हुआ करूँ ऐसा बात कर रही तो देख लियो हमारे चेन्नई में किससे भी उतना मालूम नहीं कि धकनी हमें चेन्नई में उर्दू बात कर धकनी घर को उतना किससे भी मालूम तो मैं और भी बहुत सारे लोगों से मिला बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रहा अलग अलग मोहल्ले में जाकर बात कर रहा मगर अफसोस उतना कौन में इंटरेस्ट से बात नहीं कर रहे थे मेरे भाई और हमारे चेन्नई में इस धकनी उर्दू को उतना अहमियत कौन में दे ले वो नहीं दिए तो भी उतना खास उतना हर एक मौका में हमारा धकनी उर्दू जाकर पहुंचता नहीं अब हर एक स्कूल में चेन्नई के स्कूल में मुसलमान के स्कूल में हमारे उर्दू लैंग्वेज को निकालने को आते मेरे भाई तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा अगर यूजफुल रहा तो शेयर करो अपने अपने मोहल्ले में शेयर करो अपने दोस्तों को शेयर करो अपने फैमिली के अंदर शेयर करो अगर ये वीडियो में कुछ भी मैं गलत बोला तो मुझे माफ़ कर दो जितनी जानकारी मैं हासिल कर रहा था उतनी जानकारी मैं आप लोगों को दिया और शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो मैं इंस्टाग्राम में रेगुलर कंटेंट में पोस्ट करता था हमारे धकनी उर्दू में और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आप जितने भी लोग मेरा वीडियो बैठ को देखे और जाने से पहले मैं एक दो शब्द हमारे धकनी उर्दू के स्लैंग में बोलना चाहूँगा चेन्नई में बात करते सो उर्दू चिक्कारा उर्दू नहीं धकनी उर्दू चिक्कारा गिकारा बोले तो हर राबा कर डाल तुम।